बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिफा शाह सिलाई सेंटर। तो गाइस, मैं आज आपको बैन और पट्टी पे डिज़ाइनिंग बनाने के लिए बुकरम की कैसे कैसे फिटिंग कर सकते हैं वो करके बताने वाली हूँ। ये मैं अपने घर के किसी सूट पे बनाने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर लूँ, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये शाइन वाला हिस्सा मैंने ऊपर रखा हुआ है, बैन का भी मैंने शाइन वाला हिस्सा ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि पट्टी जो है इस तरफ को मैं बैठी हुई हूँ, बड़ी पट्टी इसी तरफ को लगती है शर्ट की, मतलब के लेफ्ट साइड पे। तो ये मैंने रखी हुई डिज़ाइनिंग जो है वो हमने राइट साइड पे करनी है, राइट हैंड साइड पे करनी है। तो गाइज, मैं इसकी डिज़ाइनिंग के लिए जस्ट ऐसे ही ड्रा करने वाली हूँ। ये तकरीबन 0.2 का मार्जिन मैंने रखा है, 0.2 का। और ये मैं थोड़ी थोड़ी जगह पर निशान लगा लेती हूँ डिज़ाइनिंग क्लियर करने के लिए। जी, अब गाइस हमने यहाँ से ऐसे तिरछा निशान लगा देना है, और इस लाइन को मैंने जो है वो ऐसे निशान लगा देना है, यानी कि ये हिस्सा हम बुकरम का काटेंगे। सेम इसी तरह जितने इंच ये है, ये तकरीबन 4 इंच, ठीक है। तो इधर से जो है ना, हम इधर से हम ले रहे हैं, इधर से भी हम 4.5 इंच ले रहे हैं, ये 4.5 इंच। और इधर भी सेम हम वैसे ही 2 पॉइंट के हिसाब से निशान लगाते हुए चीज। तो अब इधर भी मैं वैसे ही लाइन जो है वो ड्रा कर दूंगी। ये लाइन ड्रा हो चुकी, अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। जब ये डिज़ाइन मैं अपने घर के किसी सूट पे बनाऊंगी, तो मैं इंशाल्लाह ये डिज़ाइन बनाते वक्त भी आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूँगी कि कैसे मैं ये डिज़ाइनिंग जो है ना वो तैयार करने वाली हूँ। बहुत आसान होगी इंशाल्लाह, ये वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, बनाते आपके साथ शेयर करूँगी। ये पट्टी की डिज़ाइनिंग है, और इस डिज़ाइनिंग के लिए जो नीचे वाला हिस्सा है गाइस, उसकी हमने नोक बनानी है। नोक के लिए हम ये देख लें, ये 1 पॉइंट कम है 1 इंच से, ठीक है। इसको हम अगर हाफ़ में लेंगे तो हम ऐसे हाफ़ इसकी तय कर लें, हमारे लिए थोड़ी सहूलत हो जाएगी। हाफ़ करने के बाद हम इसको फिर नाप लेते हैं, तो गाइस ये बन जाएगी तकरीबन 0.5 इंच से मार्जिन थोड़ा सा कम। वही लुक हम इस रुख पे भी कर लेंगे, 0.5 इंच से मार्जिन थोड़ा सा कम, 0.5 इंच यहाँ आ रही है पट्टी, ठीक है। तो हम यहाँ निशान लगाने वाले हैं। नोक बनाने के लिए ये तरीका ठीक है कि हम फिर ऐसे कोने से इंची टेप को रखते हुए ऐसे ड्रा कर लें। ये नोक हमारी ड्रा हो चुकी, अब हम जस्ट ऐसे पकड़ के ये नोक इसकी उतार दें, तो ये हमारी पट्टी जो है ये कट चुकी है, क्योंकि ऊपर हमने कट बैन लगानी है, मतलब जो कट वाली होती है बैन वो लगानी है। तो उसके लिए हमें ये वाला हिस्सा जो है ये शर्ट के साथ जुड़ेगा, ये जो है ये फ्रंट पे रहेगा इस साइड पे, जिस साइड से पट्टी खुलती है शर्ट की। तो गाइस यहाँ से हम इस हिस्से का जो ना तीसरा हिस्सा लेंगे, जो बनता है तकरीबन 2 पॉइंट से थोड़ा सा मार्जिन। 3 हिस्सों में इस कपड़े, इस बुकरम के जो पीस है इसको डिवाइड करें, इसमें से 2 हिस्से जो हैं वो आप छोड़ दें, जिस साइड से कमीज के साथ ये बैन लगना है, सिलाई से जुड़ना है, वो वाले हिस्से को आप जो है ना वो निशान उसका थोड़ा लंबा कर लें, और इसको तकरीबन 0.25 इंच, मतलब 0.5 इंच और 2 पॉइंट आप इस तरफ को ड्रा कर लें, और फिर आप इसकी कटिंग कर लें। ये आपकी पट्टी की कटिंग हो चुकी, ठीक है, फ्रंट कट्टी की पट्टी की कटिंग हो गई है, सही। और अब हम आते हैं बैन की तरफ। ये बैन डबल लगता है, आपको भी पता होगा यकीन, जो लोग जानते हैं मर्दाना कपड़े के लिए ये डिज़ाइनिंग का साथ जो है ना वो तैयार हो रहा है। तो उसके लिए सेम वही, जैसे मैंने उधर 4 इंच मार्जिन रखा था, तो इधर हम 3 इंच रखने वाले हैं, क्योंकि ये बैन है फ्रंट साइड पे थोड़ा सा तो नज़र आए, इसलिए ये 3 इंच का मार्जिन मैंने रखा। और मैंने ये बैन की शेप के हिसाब से ही गाइस इधर ये निशान लगा दिया। कोशिश करें कि बैन और पट्टी का जो साइज़ है ना चौड़ाई का वो इक्वल हो। मैंने ये यहाँ जो बैन ली है ये बाज़ार की कटी हुई है, मैंने खुद से नहीं कटिंग की, और पट्टी भी बाज़ार की कटी हुई ली है जो आसानी से मिल जाती है,
इनकी चौड़ाई जो है वो बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, 1/4 इंच है। और ये जो हम काट रहे हैं ये भी 2 पॉइंट से माइनर सा ऊपर है, तो वही मार्जिन हमने इधर रखना है। यानी कि कटिंग होने के बाद भी हमारी पट्टियों का, पट्टी और बैंड का जो साइज़ है ना वो इक्वल रहे। गाइस बैंड का जो ऐसा हिसाब किताब है कि हम इसकी एक साइड पहले कटिंग कर लेते हैं, दूसरे को फिर सेम उसके हिसाब से रख के ड्रा कर लेंगे। बैंड ये जो है ये माशाल्लाह 18 इंच की है, इसको पहले से मैंने नाप के इसकी साइडें वाइडें सब कुछ जो है ना वो बराबर कर लिया हुआ है अपने कपड़ों के साइज़ के हिसाब से। ऐसे रखते हुए हमने दूसरी साइड पे भी ड्रा कर लेना है और फिर हमने उसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये हो गई भाई, ये हमारी बैंड की कटिंग भी हो गई। अब बैंड जो है वो हमेशा डबल में लगती है, थोड़ी सख्त होती है ताकि कपड़े के साथ साथ ये चले। तो हम बैंड के दूसरे हिस्से पे भी सेम ये बैंड ऊपर वाला हिस्सा जो हम कटिंग कर चुके हैं ये रख के ड्रा करेंगे। गाइस मैं आपको बताने का सबसे आसान तरीका, कटिंग का तरीका बताती हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें और घर में सहूलत से आप खुद से ये कर सकें। आपको मतलब कि अगर आपके पास नहीं कोई जाने का हिसाब तो आप किसी टेलर के पास जाने का, कहीं सिलाई सेंटर में जाने का, ऑनलाइन यूट्यूब पे ये चैनल बनाने का मकसद यही है कि आप लोग घर में बैठ के अपने टच मोबाइल के ऊपर ही मुझसे थोड़ी थोड़ी टिप्स लेकर अपने गुजारे के कपड़े घर के डिज़ाइनिंग हल्की सी कर हल्की फुल्की करके आप पहन सकें। आपकी सूरत के लिए ये सारी मेहनत मैं कर रही हूँ, अल्लाह ताला कबूल करे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। गाइस ये हमारी जो डिज़ाइनिंग के लिए बुकरम है वो कट चुकी है। अब इंशाल्लाह कल या परसों या बहुत जल्द आपके लिए इन पट्टियों से मैं बैंड पे और पट्टी पे डिज़ाइनिंग करते हुए की वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। ठीक है, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।